अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं दिल्ली प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के साथ। अशोक सिद्धार्थ जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश भर के सभी भोजन समाज के लोगों को सादर जय भीम जी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में आपका चैनल बड़ी तरक्कियों के साथ आगे बढ़े। सिद्धार्थ जी, एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर काफ़ी कुछ लोग नाराज हैं, पार्टी छोड़ के भी जा चुके हैं, कोई बीजेपी में जा चुका है, कोई कांग्रेस में जा चुका है, कोई आम आदमी में जा चुका है, तो इस हिसाब से किस तरीके से आप लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, किस हिसाब से समीकरण में अभी विधानसभा के चुनाव भी हैं तो किस तरीके से दिल्ली की रूपरेखा को तैयार करेंगे उसके बारे में बताएँ। देखिए, जिस तरह से आदरणीय बहन जी ने इस पार्लियामेंट के चुनाव के बाद पूरी दिल्ली में फेरबदल किया है और जो लोग जिन लोगों की जो भी कमियां रही हैं, गलतियां रही हैं, उनको बाकायदा बहन जी ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के उनको पार्टी से निकाला, हटाया गया है। उसी क्रम में बहन जी ने हमको और श्री एम एल तोमर साहब को यहाँ पर दिल्ली का प्रभारी बनाने का काम किया गया और इस निर्देश के साथ भी कि जिन लोगों को अकारण निकाला गया है या जिन लोगों को छोटी मोटी गलती पर निकाला गया है, उन लोगों को मेरा उनसे निवेदन भी है, उनसे मेरी गुजारिश भी है कि वो पार्टी हित में, मूवमेंट हित में, समाज हित में आके मुझसे मिलें और उनकी जो कमी या जिस कारण जो रहा होगा, वो जेन्युइन कारण अगर उनका होगा कि उन्हें अकारण निकाला गया या उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, तो हम उनको आदरणीय बहन जी से रिक्वेस्ट करके उनको पार्टी में वापस कराने का काम करेंगे जी। ऐसे जो भी लोग हों, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे जो भी लोग हों आप उन लोगों को बताइए, मुझसे मिलें, मुझसे बात करें। मेरा फ़ोन नंबर सबको पता है, ज़्यादातर नहीं पता है तो इंटरनेट से मिल ही जाता है आज के समय में, तो मुझसे फ़ोन पर बात कर लें, आके मिल लें, मुझसे मीटिंग में मिलने, घर पे आके मिलने, कार्यालय में आके मिलने, और मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूँगा और उनको पार्टी में वापस कराकर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूँगा जी। आप थे हमारे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, जिन्होंने बताया कि जो बसपा का एक मैसेज उन्होंने दिया है कि जो भी इन लोग पार्टी से नाराज़ हैं या जो पार्टी को फिर दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं या आम आदमी, कांग्रेस, बीजेपी के अंदर हैं और वो भी अगर बसपा में आना चाहते हैं तो उनका खुले मन से, खुले तरीके से स्वागत है। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः भोजन समाज के सभी भोजन बंधुओं को अपने हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे इतना स्नेह आपके चैनल के माध्यम से और तमाम और चैनल माध्यम से स्नेह देते हैं। सभी को मेरा सादर जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।